तो गाइस कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर पे। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये J6 Plus है मेरे पास, इसमें ये कंट्री लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, वरना मैं आपको अंदर से सेटिंग से भी इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप ये मांग रहा है सिम कोड, तो इसका मतलब इसमें कंट्री लॉक पड़ा हुआ है। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं बॉक्स से करूँगा तो बॉक्स से करीब इसमें 450 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो मैं इसे बॉक्स से नहीं, सिर्फ ट्रिक से करूँगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ अपना Z3 बॉक्स। ये देखिए J610F इसका मॉडल नंबर है। अगर मैं इसे अनलॉक पर अगर आता हूँ और इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो ये रीड कोड भी सर्वर मांग रहा है, यानी करीब हमारा $4-5 ही खा जाएगा। तो इससे करके फ़ायदा नहीं है, कस्टमर भी इतने पैसे में नहीं देता है। तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इसको फ्री में कर सकते हैं अनलॉक, और मैं कंप्यूटर को अपने हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही इसको अनलॉक कर दूंगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अभी इसमें आपको पहले इसका मैं मॉडल नंबर दिखाऊंगा। ये इसका मॉडल नंबर है J610F। तो इसको हम किस तरह से अनलॉक करेंगे, बने रहें वीडियो के साथ लास्ट तक। और इसका मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर वर्जन भी दिखा देता हूँ, 8.1.0 है सिक्योरिटी पेजेस का। सिक्योरिटी पेजेस का आपका आएगा 2019 का सिक्योरिटी पेज है। तो दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। इसके अंदर ना मेरा जियो का सिम लगा हुआ है, जियो का, तो मैं सिम को भी निकाल दूंगा और दूसरा सिम लगाऊंगा अपना एक। ये देखिए इनवैलिड सिम कार्ड बोल रहा है, यानी नेटवर्क लॉक। अभी इस नेटवर्क लॉक को मैं बिना कंप्यूटर को हाथ लगाए अनलॉक करूंगा। सबसे पहले हमें ये वाला सिम निकाल देना है। पकड़ लिया यार, एक मिनट के लिए पकड़ लो, फिर मैं जो है कर दूंगा सही। निकाल के होगा तुम्हारा, बगैर सिम निकाले होगा, दूसरा काम चल जाएगा। ये निकाल रहा हूँ मैं इसका सिम। हैंड फ्री करो। हाँ जी भाई, हाँ 15-20 मिनट में ले रहा हूँ, बस हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बस 15-20 मिनट में लेता हूँ, 15-20 मिनट। देखो ये वाला सिम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला मेरे पास वोडाफोन का सिम है, इंटरनेशनल सिम। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ये सिम बता दूंगा कहाँ से ले लो आप, या मुझसे भी आप ले सकते हो। अब ये वाला सिम मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब इसको करेंगे सिंपली ऑन। सिम लगा दिया, एक बार रिस्टार्ट करेंगे इसको, छोड़ो बस हो गया तुम्हारा, आधे घंटे में ले लो। ये मोबाइल हो रहा है हमारा रिस्टार्ट, आधे घंटे में लेना रिस्टार्ट हो गया। तुम्हारी बात तो वीडियो बना रहा है यार, वीडियो बना रहा है, मैं फोन कर लेना आने से पहले। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा मोबाइल चालू। अभी देखिए इधर ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, अभी देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा, थोड़ा सेटिंग करेंगे इसका। एक बार सेटिंग में जाएंगे और इधर कनेक्शन में आना है हमें। मोबाइल नेटवर्क और इधर हमें इसको 2G पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी इधर नेटवर्क आ जाएगा। गाइस देखिए इसमें नेटवर्क आ चुका है, लेकिन अभी ये इंडिया का मैं सिम लगाऊंगा ना इसके अंदर, तो उसमें अभी आपको नेटवर्क ही मांगेगा, तो इसमें भी थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। अभी देखिए पूरी तरह नेटवर्क नहीं आया, इधर लिखा हुआ आएगा, तो मैं एजेंसी कॉल आ रहा है इधर, तो इधर अभी एयरटेल लिखा हुआ आएगा।
देखिए इधर बना हुआ आ रहा है आर, और इधर आ रहा है हमारा वोडाफोन ही। अभी हमें इस नंबर से ना एक नंबर पर कॉल करना है, स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर से आपको कॉल करनी है इसके अंदर 7 मिनट तक। तो आपको नंबर बताता हूँ मैं, किस नंबर पर कॉल करेंगे आप। +44 7836 ठीक है, ये नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे चलता हुआ दिख रहा होगा, उस पर आप इस नंबर पे हमें 7 मिनट इसको कॉल करना है, 7 मिनट टोटल 7 मिनट। देखिए मेरी कॉलिंग चालू हो गई दोस्तों, अभी मुझे 7 मिनट 7 मिनट कॉल करना है। थोड़ा सा मैं इसको वीडियो के यहाँ से पुश कर देता हूँ ताकि ये पूरा टाइम 7 मिनट का हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपका टाइम मेरा टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे हो गया टाइम पूरा, अभी मैं कॉल करूँगा कट, और अभी आपको दिखाता हूँ इसका टाइम। ये देखिए ये 2 मिनट 4 मिनट, तो ये तकरीबन मैंने जो कॉलिंग टाइम पूरा था वो पूरा कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके इसको, इसमें हम जा रहा, अभी हम डालेंगे अपना जियो का सिम। स्विच ऑफ कर देंगे और देखेंगे कि हमारा नेटवर्क आए इंडिया के या नहीं आए। यार एक पिन और भी तो थी, अभी तो मेरा ही वाला उतार है, रिचार्ज नहीं होगा भाई। देखिए निकाल दिया मैंने सिम इसका, और अभी इसमें लगा रहा हूँ मैं अपना दूसरा सिम। ये लगा दिया मैंने इसका जियो का सिम। ये लिख के आ गया सैमसंग, देखिए आ गया हमारा जियो का सिम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें, देरी नई वीडियो देखने के लिए। कंटिन्यू रख रही है।